हाई एवरीबडी वेलकम टू अभिमन्यू आई एस इंडिया इज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट सिविल सर्विसिज़ एग्जामिनेशन हमारी अकेडमी ने पिछले ट्वेंटी थ्री ईयर्स में मोर देन टू थाउजेंड सिलेक्शंस दी हैं इंक्लूडिंग टॉपर्स इन यू पी एस सी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसिज़ तो ये जो हम सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए इशू एंड अनालिस की ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे यू का या हरियाणा का या अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स जो के टॉपिक हैं या फिर इवन प्रीलिम्स के टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरा नाम मनिंदर है और मैं पंजाब सिविल सर्विसेज रैंक 36 सिक्स हूँ एंड आई एम वन ऑफ़ द फैकल्टी मेंबर्स इन अभिमन्यु आई एस तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम एक टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम यानी कि आने वाले समय में हमारे भारत का स्पेस प्रोग्राम कैसा दिखना चाहिए कौन से ऐसे माइल्ड हैं जो हमें अचीव करने चाहिए फ्यूचर में उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अभी मैं यू आई एस इज़ ऑल्सो कमिंग विद अ सीरीज़ ऑफ़ यू नो कोर्सेज फॉर द टू टारगेटिंग टू एंड ट्वेंटी आप इन कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम तो आज हम शुरू करते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम तो देखिए फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी अंडरस्टैंड करिए कि पास्ट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम क्या रहा था तो भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू होता है विद वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी होमी बाबा और विक्रम सारा भाई से ये दोनों जो पर्सनालिटीज थी स्पेशली विक्रम सारा भाई ये चाहते थे कि भारत में भी ऐसा स्पेस प्रोग्राम हो जैसा स्पेस प्रोग्राम डेवलप नेशंस के अंदर होता है जैसे यूएस के अंदर या फिर सोवियत यूनियन के अंदर तो उसी मोटिवेशन से इन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम की फाउंडेशन को ले डाउन किया और ये पूरी इनकी डेवलपमेंट से एक इंस्टीट्यूशन बना जो इनको स्पार था इनिशियली लेकिन धीरे धीरे करके वो इसरो में कन्वर्ट हुआ तो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफाइन है वो सारा उसी का प्रोग्राम है और अगर हम की माइल की बात करें तो की माइल के अंदर भारत ने 1975 में फ़र्स्ट टाइम 1975 में फ़र्स्ट टाइम हमने जो है लॉन्च की थी हमारी आर्या भट्टा सेटेलाइट तो फर्स्ट सेटेलाइट जो लॉन्च की हमने 1975 में आर्या ये हमने लॉन्च की लेकिन चार साल बाद हमने अपना खुद का एक यू नो एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल जिसको एस बोलते हैं उसको हमने जो है टेस्ट किया एस की सक्सेस के बाद हमने 1981 में इसरो तो ने पहली कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी लॉन्च की जिसका नाम एप्पल रखा उससे पहले जो लॉन्च सबसे पहली सैटेलाइट थी जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी उसका नाम था आर्य भट्टा और 1992 में जाके हमने भारत की जो है सबसे पहली इनसेट सीरीज़ स्टार्ट की जिसका नाम रखा इनसेट टू ए इसके बाद हम पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल के ऊपर फोकस करना शुरू किया और फाइनली हमने पी को लॉन्च किया धीरे धीरे करके पी के बाद हमने जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल को भी स्टार्ट किया इसके अलावा फिर 2008 में एक बहुत ही अमेजिंग फीट भारत के इसरो ने अचीव किया जब मून के ऊपर हमने सबसे पहली बार मिशन भेजा जिसका नाम चंद्रयान द वन रखा गया यहीं नहीं ख़त्म हुआ हमारे इसरो का सिलसिला इसरो ने ऑलमोस्ट पाँच साल बाद डिसाइड किया कि हम मार्स के ऊपर भी मिशन भेजेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड चीपेस्ट मिशन ऑफ द वर्ल्ड रहा विच इज़ कॉल्ड द मंगलयान मिशन ये मिशन 2013 में लॉन्च किया और 2014 में हमारा मंगलयान ऑर्बिटर में एंटर हो गया इसके बाद भारत ने सोचा कि हमें एक डेडिकेटेड एस्ट्रॉ एस्ट्रोनॉमी वेब जो है सेटेलाइट भी चाहिए उसके लिए हमने एस्ट्रो लॉन्च किया 2017 में एक बहुत ही रिमार्केबल फीट इसरो ने अचीव किया जब अभी तक का सबसे ज़्यादा सेटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड हमारी इसरो ने इस्टैब्लिश किया मतलब पी एस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया और एक सौ मैं रिपीट कर रहा हूँ एक चार सेटेलाइट सॉरी एक सौ चार ने जो है वो सेंड की उसके बाद हमने हेवियस्ट सेटेलाइट जी सेट भी लॉन्च किया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने चंद्रयान के ऊपर सेकेंड टाइम विजिट किया व्हेन वी लॉन्च चंद्रयान द सेकेंड यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है इसरो एक छोटे से यू नो छोटे से इंस्टीट्यूशन से आज दुनिया में एक बहुत ही इंस्टीट्यूशन बन चुका है लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे इसरो का या हमारे स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है तो ग्रोथ क्या है आगे क्या करना है तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे तो फ्यूचर ऑफ़ इसरो यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी की माइल हैं जो अगर भारत अचीव कर जाता है तो हम ऑल दो इसरो इज़ ऑलरेडी इन द लीग ऑफ दो ग्रेट नेशंस जिन्हों जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम के अंदर वो मेचोरिटी होल्ड की है लेकिन अगर हम ये फॉलोइंग अचीवमेंट्स अब ले लेते हैं तो वी वुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट यू नो स्पेस प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से मिशन हैं जो इसरो को करने चाहिए या इसरो कर रहा है इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम सबसे पहली हम प्लानिटरी मिशन को कंटिन्यू करते रहेंगे एक्स्ट्रा पोल्यूशन एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए सेकेंड हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का भी अचीवमेंट जो है वो लेके रहेंगे थर्ड हम स्पेस और डिफेंस ये ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो अभी तक डाइवोर्स थे एक दूसरे से अलग थे लेकिन बिकॉज मैनी कंट्रीज आर कमिंग इन टू दिस फोरम ए डिफेंस एंड स्पेस को इंटीग्रेट किया जा रहा है उसके अंदर भारत कहीं पीछे ना रह जाए उसके ऊपर भी हमें फोकस करना ज़रूरी है ड्रैगन के साथ कंपीट करना है मतलब चाइना आज बहुत ही बड़े लेवल पे स्पेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो वो स्पेस रेस का भी पार्ट भारत को बनना पड़ेगा हमें परमानेंट हमारा खुद का स्पेस स्टेशन चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन है जो एक्टिव है इसके अलावा और कुछ कंट्रीज हैं जो स्पेस स्टेशन बना रही हैं हमें भी चाहिए भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन फिर भारत को भी स्पेस मैनेजमेंट के अंदर इनिशिएटिव लेने चाहिए स्पेस डेबरीज को क्लीन अप करने के लिए स्मॉल सेटेलाइट जो मार्केट है छोटी सेटेलाइट्स की जो मार्केट है ये बहुत ह्यूज मार्केट है इसके अंदर भी भारत को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अप करने की ज़रूरत है धीरे धीरे करके हमें इसरो को थोड़ा सा उसका काम करना कम करना पड़ेगा और जो काम इसरो आज कर रही है उस काम को हमें प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्पेस सेक्टर एंड लास्ट बट नॉट द लीज जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज और कंट्री स्पेस टूरिज्म में इन्वेस्ट कर रही है तो भारत को भी स्पेस टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो चलिए एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा प्लानिटरी मिशन तो भारत प्लानिटरी मिशन को कंटिन्यू करना ही चाहिए एक्स्ट्रा पोल्यूशन एक्टिविटीज इज द बेसिक थिंग अबाउट द स्पेस यू नो प्रोग्राम ऑफ एनी कंट्री और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में भारत के तीन प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो प्री डिसाइडेड हैं सबसे पहला है सन का प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द आदित्य एल वन तो हमें सन को एक्सप्लोर करना है और ये प्रोजेक्ट इसरो का बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है द सेकेंड इज हम तीसरी बार मून पे जा रहे हैं यस हम थर्ड टाइम मून पे जा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है थर्ड टाइम जाने का इसका नाम चंद्रयान द थ्री है और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये टोटली totally, टोटली totally हमारा लैंडर ऑन रोवर प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर हम ऑर्बिटर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और फाइनली वी आर गोइंग टू अ वेरी न्यू प्लानट और वो प्लानट है वीनस तो अभी तक हमने मार्स में गए थे लेकिन वीनस पे अभी तक हमने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था लेकिन भारत का इसरो आने वाले समय में वीनस के ऊपर भी अपनी मार्च करेगा और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है द शुक्रयान प्रोजेक्ट शुक्रयान एंड आदित्य एलवान और चंद्रयान इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज यू नो द क्या बोलते हैं द प्लानिटरी मिशन ऑफ इसरो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट होल्ड करती है दैट इज अबाउट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आज तक ये हमेशा रहा है कि यार अमेरिका का कोई बंदा चला गया स्पेस के अंदर नील एम चला गया या फिर चाइनीज जो है वो भी स्पेस में जा चुके हैं या फिर भारत के लोग भी गए हैं लेकिन वो दूसरों दूसरों के स्पेस फ्लाइट्स के ऊपर जो है उन्होंने विजिट किया है और ये चीज़ हमें बदलनी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो हमें चाहिए कि हम खुद अपनी स्पेस फ्लाइट के ऊपर आज एक मिशन को कंडक्ट करें और लेके जाएं और इस कंटेक्स के अंदर गगनयान मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा जहां पे हम खुद एक ह्यूमन बीइंग को यानी कि अपने दो अपने भारतीय को स्पेस में भेजेंगे गगनयान मिशन के अंडर और दिस इज़ आल्सो गोइंग टू पुट इंडिया इनटू द लीग ऑफ दो नेशंस जहां पे हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि वी आल्सो सेंट अ ह्यूमन बीइंग इन स्पेस गगनयान मिशन का बेसिक आइडिया होगा कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में फॉर सेवन टू एट डेज के लिए ये मिशन होगा और जहाँ पे पाँच से छः ऐसे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो स्पेस फ्लाइट जो है कवर कर सके इसके टारगेट्स यही हैं कि 2020 के फैग एंड पे जाके ये मिशन का पहला जो स्टेज है उसको कंप्लीट किया जाएगा तो फ्यूचर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो इसरो है उसको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो फोकस करना चाहिए वो चाहिए हमारी स्पेस एंड डिफेंस के ऊपर जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत देश स्पेशली यूएस और चाइना बिग टाइम स्पेस रिसर्च को डिफेंस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसी मिलिट्री सेटेलाइट्स भेजी जा रही हैं जो उनके डिफेंस के परपज़ लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही लेकिन दूसरे जो एनिमी स्टेट्स हैं उनकी स्ट्रेटिजिक जो या डिफ़ेंस की जो चीज़ें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है तो भारत को भी चाहिए कि हम फ्यूचर का जो स्पेस प्रोग्राम हो वो कहीं ना कहीं हमारी डिफेंस की एबिलिटीज़ को इनक्रीज़ करे भारत ने इस चीज़ के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव है ऑफ़ क्रिएटिंग अ डिफेंस स्पेस एजेंसी एक नई डिफेंस स्पेस एजेंसी क्रिएट की गई है इसके साथ साथ डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी भी क्रिएट की गई है साथ में ही भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन शक्ति जो एक एंटी सेटेलाइट हमने वहाँ पे डिलीवर की है स्पेस के अंदर वो भी हमने लॉन्च किया है तो कुछ ऐसा तो है ज़रूर कि भारत इस चीज़ इस स्पेस के अंदर आ रहा है और इस स्पेस के अंदर हमें एग्रेसिवली आना पड़ेगा अगर हमें अपने आप को स्पेस सेक्टर के अंदर भी सेफ करना है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अबाउट अ स्पेस रेस देखिए जैसे एक स्पेस रेस कोल्ड वॉर के टाइम पे चल रही थी बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर के स्पेस एक्सप्लोरेशन में कौन जल्दी जो है आगे जाएगा वैसी ही एक स्पेस रेस आज के टाइम पे भी चल रही है ये स्पेस रेस में कुछ नए प्लेयर्स एंटर हुए हैं जैसे चाइना चाइना बहुत ही बिग टाइम स्पेस रेस में एंटर कर रहा है तो भारत को भी चाहिए कि हम अपने इसरो को यूज़ करके इस स्पेस रेस से दूर ना हो जाएं तो कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हम एक्स्ट्रा प्लानिटरी या बाकी जो मिशंस कर रहे हैं उनके टाइम को एडवांस करें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम ड्रैगन के साथ यानी कि चाइना के साथ हम मैच कर सकें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्पेस रेस के ऊपर भी इसको फोकस करें इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सस्टेनेबल स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं देखिए स्पेस का हम यूज़ तो कर रहे हैं हमने स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स तो डाल दी हैं जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमें ह्यूमन स्पीशीज़ को लेकिन हम इस पूरे यूज़ के अंडर हम अपनी स्पेस के कुछ ऑर्बिट्स को क्लटर भी कर रहे हैं क्लटर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वहाँ पे सैटेलाइट्स आ चुकी हैं एंड का काफ़ी ऐसी सैटलाइट्स हैं जो बिल्कुल रिडंडेंट हैं जिनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है <coughs> तो ऐसी सैटेलट्स को हमें रिमूव करना है क्योंकि अगर हमने रिमूव नहीं किया जो रिडंडेंट सेटेलाइट्स हैं तो ये स्पेस डेबरीज बन सकती हैं और एक मूवी आई थी आपने शायद सुना होगा ग्रेविटी के बारे में तो बेसिकली ये जो स्पेस डेबरीज़ है आपस में कोलाइड हो सकती हैं एंड इट कैन स्टार्ट अ चेन रिएक्शन एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट लॉर्ड ऑफ जो स्पेस एसेट्स हैं हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर उनको अफेक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली वो हमें ही अफेक्ट करेंगे तो काफ़ी कंट्रीज़ और एजेंसीज़ हैं जो स्पेस डेबरीज़ के ऊपर काम कर रही हैं जैसे नासा या फिर ई एस ए या फिर चाइनीज एजेंसीज तो भारत को भी चाहिए कि हम भी इन स्पेस डेबरीज़ की मैनेजमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेके आएँ जिससे भारत एक सस्टेनेबल स्पेस पावर बन सकता है तो ये भी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो इसरो को कंसिडर करना चाहिए इसके अलावा यस yes, हमें अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन चाहिए आपको पता है कि एक स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप भी है और ये स्पेस स्टेशन इनिशियली रशिया ने स्टार्ट किया था एन इवेंचुअली इसको और भी कंट्रीज ने ज्वाइन किया अभी चाइना भी बहुत बिग टाइम अपने स्पेस स्टेशन को बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जैसे त्योंगंग वन और त्योंगंग टू ये दो बहुत बड़े स्पेस स्टेशन चाइना बिल्ड कर रहा है स्पेस के अंदर भारत अभी स्पेस स्टेशन के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा पीछे है हमें चाहिए कि ये स्पेस स्टेशन हम भारत का भी एक स्पेस स्टेशन वहाँ पे आए क्योंकि स्पेस स्टेशन जिसका होता है तो वो बहुत अच्छे से स्पेस रिसर्च एंड वो सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है तो भारत के जो इसरो ने ये अनाउंस किया है कि 2030 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लेके आएंगे सो दैट्स ऑल्सो वेरी ऑसम है ना अगर बाय टू हम अपना स्पेस स्टेशन ले आते हैं तो वी कैन मैच यू नो जो ये वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना हैज़ बिन डोइंग ऑफ लेट उनके साथ हम जो है वो मैच कर सकते हैं इसके अलावा देखिए स्मॉल सेटलाइट जो एक मार्केट है छोटी सैटेलाइट्स की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है छोटी सेटेलाइट्स में आपके पास रिसर्च सैटेलाइट्स आ जाती हैं एंटरटेनमेंट सेटेलाइट्स आ जाती हैं और ये सेटेलाइट कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें बेसिकली ये सेटेलाइट्स जो है वो लेके आ रही हैं तो हमें चाहिए कि इन छोटी सेटेलाइट्स की मार्केट को भी हम जो है वो कैप्चर कर लें अब ये छोटी सेटेलाइट्स की मार्केट के अंदर अगर ये डायग्राम को आप फोकस करें तो ये बाय 2028 सजेस्ट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा स्मॉल सेटेलाइट मार्केट जो है वो बन जाएगी So तो एक्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो टू और टू के अंदर इतना डिफरेंस आ गया 2018 और टू और टू में बहुत डिफरेंस आया फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज नंबर ऑफ स्मॉल सेटेलाइट्स लॉन्च पर ईयर 2009 के कंपैरिजन में 2018 से ज़्यादा बढ़ के फोर वन हो गया एंड दिस इज गोइंग टू गो अप एंड इट कैन रीच टू 859 पर ईयर स्मॉल सेटेलाइट्स तो so, इतनी छोटी सेटेलाइट्स की मार्केट ये बढ़ेगी और भारत को चाहिए कि ये छोटी सेटेलाइट्स की मार्केट के अंदर वो बिग टाइम इन्वेस्टमेंट करे सिमिलरली देखो एवरेज लॉन्च पर सैटेलाइट सिर्फ 49 नाइन है लेकिन बाय 2028 थाउजेंड इट इज गोइंग टू गो अप टू 139 थर्टी तो कहने का मतलब है कि आज अगर हम 113 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है 2018 के अंदर तो इन 10 इयर्स इट इज़ गोइंग टू गो अप टू 43 बिलियन डॉलर्स और अगर भारत ने इस स्पेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया तो वी आर गोइंग टू लूज अ लॉड ऑफ अ लॉड ऑफ मनी एंड दैट इज़ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एस एस एल वी एस एस एल वी हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना एक स्पेशल लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है जो पी एस एल वी और जी एस एल वी के अपार्ट एक डिफरेंट लॉन्च व्हीकल होगा और इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस स्मॉल सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही किया गया है सो दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आर फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट यस देखिए इसरो के ऊपर बहुत प्रेशर है प्रेशर इन द सेंस कि उसको एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में भी इंटर भी करना है उसको रिमोट सेंसिंग का भी जो है काम देखना है और उसको डेफिनेटली कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स के ऊपर भी फोकस करना है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ बर्डन ऑन इसरो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसरो से कुछ काम जो है डाइवर्स्ट करके हम जो काम है अपने प्राइवेट सेक्टर को दें इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी नए नए स्टार्टअप्स आएंगे और दुनिया में ये देखने को मिलता है कि जहाँ प्राइवेटाइजेशन है स्पेस का वहाँ पे स्पेस सेक्टर ग्रो करता है जैसे एग्जांपल के अगर हम देखें तो यूएस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल तो यू में ऐसा नहीं है कि अकेला नासा ही वर्क करता है नासा के साथ साथ वहाँ पर स्पेस भी है वर्जिन गैलेक्टिक भी है तो ऐसी और भी कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर जो स्पेस के अंदर आती हैं और इसी कंटेक्स के अंदर भारत को भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सेक्टर तो अब इस चीज़ के ऊपर इसरो ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं यस फॉर एग्जाम्पल हमने दो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं एक इन स्पेस और एक एन जो इन स्पेस है ये बेसिकली कोशिश करेगी कि टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके हमारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करें और एन हमने एक मार्केटिंग आम बनाई है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो भी हमें स्पेस गुड्स देगा उसको हम जो है वो परचेज़ कर सकें तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज़ दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर लास्ट हम देखते हैं कि भारत को इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है आपको ज़रूर ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा ये पिक्चर लेकिन ये पिक्चर टॉक्स अबाउट अ थिंग कॉल स्पेस टूरिज़म आने वाले टाइम में हमें चाहिए कि हम जो है स्पेस के ऊपर जाके अपना इंजॉय कर सकें पीपल वॉन्ट टू गो एंड सी दैट व्हाट इज़ यू नो व्हाट इज़ स्पेस ट्रैवल स्पेस ट्रैवल हम सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक ही क्यों सीमित रखें हम चाहते हैं कि हम लोग भी स्पेस पे जाके ट्रैवल कर सके और इस चीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत ही बिग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं यानी कि अगर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो यानी कि दे कंसिडर दैट देर इज अ पोटेंशियल ऑफ स्पेस टूरिज्म विच इज़ देयर इसमें यूएस की कुछ कंपनीज है जैसे गैलेक्टिक ब्ल्यू ओरिजिन और स्पेस एक्स एंड दे आर इन्वेस्टिंग बिग टाइम ये ना हो कि अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम कहीं पीछे रह जाएं और हमें भी स्पेस टूरिज्म के ऊपर अपने आप को करना पड़ेगा इन्वेस्ट और भारत में भी एक स्काई रूट एरोस्पेस करके है जो एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस ट्रैवल के ऊपर अपने आप को पिच इन कर रही है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भारत के फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है वी हैव टू मेक श्योर कि हम प्लानिटरी मिशन के ऊपर फोकस करें वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्मॉल सेटेलाइट मार्केट को कैप्चर करें वी हैव टू मेक श्योर कि हम जी ये जो स्पेस रेस चल रही है इसके इसके बीच में हम पीछे ना रह जाएँ वी हैव टू मेक श्योर कि डिफेंस के अंदर हमें स्पेस को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है एंड लास्ट बट नॉट द लीस हमें एक स्पेस स्ट्रैटी चाहिए हमें एक स्पेस पॉलिसी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पेरेटिव हो चुकी हो चुकी है एट प्रेजेंट तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू एंड टेक केयर